Okay, so uh, hi uh, guys, this is uh, Gaming Crotion and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले about uh, a match जो इतना बढ़िया था लेकिन लोगों को याद नहीं है इट्स जस्ट लाइक एवेटार मूवी एक ब्लॉक बस्टर मूवी है बट आज तक किसी को एक सिंगल डायलॉग उसका याद नहीं होगा प्रॉपरली राइट right? उसने रिकॉर्ड्स उड़े थे और अगर इस मैच की बात करी जाए ना ये मैच बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है कैसे एक इंडिविजुअल प्लेयर जस्ट बाय हिज प्राउस कैसे चाइनीस टीम्स के रोटेशन को कोई मात नहीं दे सकता था एक बार एक टाइम पर पीएमजीसी के अंदर उन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना तुम तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दी मोस्ट अंडर रेटेड मैचेस इन दायर पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप हिस्ट्री सो लाइक like करना, करना, करना। शेयर सब्सक्राइब चलो स्टार्ट करते हैं के प्लेयर्स को हुई है दिक्कत। दिक्कत हुई कि फोर ए एम ने पहले सात मिनट में फर्स्ट सेवन मिनट्स में फोर एम ने अपने दो प्लेयर्स खो दिए दो प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं फोर एम के जो प्लेयर्स है वो यहां पर अगर तुम्हें मैप दिख रहा है तो फोर एम के प्लेयर्स जो है वो इस एरिया पर है एंड सर्कल तुम लोग देख सकते हो कितना नीचे जा चुका है जब 100% परसेंट ऑफ द एरिया जो है वो मिलिट्री बेस का होता है जोन में तो ये पक्की बात है कि सर्कल नीचे ही जाएगा लिख के ले लो पहले भी बताया हजार बार आगे भी बताऊंगा ये चीज होती होती है ऐसा कोई जोन नहीं है जो बाद में इसको ऊपर धकेल सके स्टैंडर्ड चीज ठीक है अब फोर के प्लेयर्स यहां पर है हमें पता है इनका आगे का एरिया खाली है लेकिन इनको नहीं पता सो वट ब्रिलियंट वॉटर रोटेशन ये रहे फोर के प्लेयर्स वहां से

और यहां से जब जोन इधर है तो ये लोग पूरा जोन के अराउंड घूम करके अपने आपको सर्कल में एक अच्छी जगह रखा मिलिट्री बेस की जोन की रोटेशन थी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को रीड किया इसीलिए मैं बोलता हूं भाई एक लाइक तो बनता है इस टीम के लिए चलो आगे देखते हैं क्या हुआ ठीक है यहां पर 4 एम के प्लेयर्स की फाइट हुई एयरोबुल्स के प्लेयर्स के साथ नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड हाई ग्राउंड लो ग्राउंड फाइट 4 एम के प्लेयर्स एक लो ग्राउंड पर है एयरोबुल्स के प्लेयर्स हायर ग्राउंड पर है कैन इजली टेक फाइट वही उन्होंने किया थ्रो एबल्स जो मिला जैसे मिला वैसे प्लेयर्स को डाउन करने की पूरी पूरी कोशिश करी सुपरूना आगे थे उन्होंने बस रैंडम स्प्रेज मारे थोड़े बहुत शॉर्ट मारे प्लेयर उनके हिस्से में आया और साथ के साथ डाउन किया दिस इज वेर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग फोर एम का बच्चा इकलौता प्लेयर नो डाउट ये आगे निकल के फाइट ले सकता है लेकिन चाइनीज टीम को यह पता है कि भाई रुकना कैसे है फाइट में गुड फाइट एंड बैड फाइट का कॉन्सेप्ट चाइनीज टीम के दिमाग में घुसा हुआ है अच्छे तरीके से वही चीज करी गई है पोटैटो भी है सुपरवना है लेकिन ना एरो के प्लेयर्स को कहीं और से गोलियां पड़ी जिसके कारण उन्होंने ये वाली फाइट छोड़ दी ठीक है उन्होंने ये फाइट छोड़ी थ्रोएबल तो सब चीज आ रहे थे सब चीजें हो रही थी बट यहीं पर सुख को पूरा टाइम मिल गया कि नहीं मैं जाऊं और अपने टीममेट को रिवाइव दूं प्लेयर बचाना जरूरी है ऐसे सर्कल्स में ताकि आप और आगे खेल सको अगर आप नहीं खेल पा रहे तो, तो राइट right? प्लेयर बचाना जरूरी होता है मुश्किल है यहां पर तुम्हें ध्यान देना है अब तुम्हें ध्यान देना शुरू करना है नावी के ऊपर नावी के पास तीन प्लेयर्स है बट कितनी देर तक और कैसे क्योंकि नावी हमेशा टू टू के स्प्लिट में खेलती थी इस टाइम पर नावी टू टू के स्प्लिट में खेलती थी दो प्लेयर्स इधर है और

एरो को पता है कि बिल्कुल सामने प्लेयर्स हैं काफी अच्छे तरीके से बताया है फोर एम के प्लेयर्स हैं एंड नाउ यू सी फोर एम कैसे खुद को थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट रख रही है क्या होगा अगर जिने पे कुछ भी आता है तो सुख मारेंगे सुख पे कुछ भी आता है जीने मार्इक like उस तरीके से खुद को कवर्स में और डिप्स में रख लिया है विच इज अ वेरी वेरी गुड कॉल राइट ये चीज हो चुकी है नाउ वी टॉक अबाउट द अदर सिचुएशन राइट नावी के प्लेयर्स फोर एम के प्लेयर्स हर कोई फाइट ले रहा है बहुत अच्छे तरीके से फाइट ले रहा है और यहीं पर जिन्हें जस्ट की के सामने है। उनको पता चला अंडर खत्म कर दिया अब वेपन रिलोड करेंगे डिड यू सी इनका लोड आउट क्या है डीपी एंड मिनी ये तो चलो ये भी बात होगी कि इनको इनको जो मिला वो इन्होंने उठाया पहले की फाइट्स में बहुत जल्दी सात मिनट में प्लेयर्स खत्म हो चुके थे बट डीपी एंड मिनी यूज करना एक स्लो वेपन है ए भी नहीं है स्लो एल है राइट और एक डीएमआर है ये दो वेपन्स यूज किए जा रहे हैं इनके इनके थ्रू कोई फर्स्ट एड नहीं बचे कुछ नहीं बचा तो जोन में जाना ही पड़ेगा नहीं तो जोन काटेगा आप बच नहीं सकते हो इतने में नावी के प्लेयर उड़ना शुरू हो गए टिक्सीज डाउन मीकू को देखना और ओल्ड बॉय को देखना ओल्ड बॉय वुड बी द लास्ट वन सर्वाइविंग यू नो ओल्ड बॉयज प्रोस टू बी ऑनेस्ट ओल्ड बॉय के ऊपर जितना प्रेशर था ना गेम के बाहर का किसी और पर नहीं था बिकॉज ओल्ड बॉय एट दिस टाइम ही लॉस इज डेट टू कोविड सो ओल्ड बॉय के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर था बहुत सारी चीजों का उतना मेरे ख्याल से किसी और के ऊपर पर्सनली नहीं था इस टूर्नामेंट को खेलते हुए एंड ओल्ड बॉय सेट दिस आई वॉन्ट टू प्रूव इट टू माई फादर दट आई हैव डन इट आई वॉन्ट टू विन इट फॉर माई फादर ही कुड नॉट डू इट ही वॉज सो क्लोज इट सो फार बट नावी ने दिखाया कि एक नया कॉम्पिटिशन का रेंज है जो नावी ला करके रखता है ओल्ड बॉय का गदका के साइड पर एस एल आर का कच, क्लच तुम लोगों को याद होगा जो निकला था राइट यहां पर ओल्ड बॉय ने क्या किया देखो खुद पे बहुत सारे स्मोक्स किए सामने थ्रोएबल्स निकाले ज गुड और उनके थ्रोएबल्स बढ़िया गए भी है एक प्लेयर को डाउन किया है सब कुछ हुआ क्लास डिस्टल के सोललेस है जो कि कर रहे हैं ना भी क्या एक बंदा बचता है अब ओनली वन एंड इज ओल्ड बोय वो स्मोक में बैठे हुए हैं पूरे सिचुएशन में तुम लोग देखोगे हल्का सा इसको पीछे करता हूँ तुम लोग देखोगे क्या हुआ सिलिम डाउन हो चुके हैं बिकॉज सेलिम इज डाउन सोललेस ने सोचा कि नहीं मैं पूरा नीचे आऊंगा अपने टीम को रिवाइव देने की कोशिश करूंगा टीम सीक्रेट के यू है बचे जब आप आखिरी प्लेयर बचते हो ना या फिर दो प्लेय बचे और एक नॉक हो चुका है ट गो फॉर द रिवाइवल एट दैट टाइम अगर आप दूर हो अगर क्लोज हो कवर्स है सब कुछ है आप बहुत दूर हो ना डोट रिस्क योर सेल्फ राइट क्योंकि जब तक आप वहां पहुंच रहे हो आपके टीममेट्स या तो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है कुछ ऐसा फोर ए एम द टीम दैट लॉस्ट इट्स प्लेयर्स एट द अर्लीस्ट ऑफ द टाइम वहां से अभी तक फोर ए एम सर्वाइव करी है फ्रॉम दैट टाइम दे हैव बिन सर्वाइविंग टिल दिस वन मोमेंट सो गुड so ये पोरियम के प्लेस जिन्हें के पास ज्यादा गोलियां नहीं बची है तेरह गोलियां बची है ज्यादा चीजें बची नहीं है ओल्ड बॉय के पास और थ्रोएल अगर होते हैं वो अभी तक डाल चुके होते हैं उस जगह पर बट दैट शो केसेस की उनके पास नहीं है पोरियम के पास तो हीलिंग भी प्रॉपर नहीं है ठीक है टीम सीक्रेट है जो कि काफी सही जगह पर है लेकिन बात ये बन चुकी है कि जो सर्कल है ना सर्कल ये है लास्ट प्लेइंग सर्कल इज दिस दिस इज दर प्लेंग सर्कल जो कि सिक्स जोन अभी जब कटेगा वो ये सर्कल है मतलब कवर क्या है इसके लिए ओपन का ओपन से जाकर के ये पेड़ कवर है इनके लिए ये पेड़ कवर है लेकिन उसके बाद फिर ये पेड़ कवर है इनके लिए ये पेड़ कवर है यहां पर जीतना टू वर्सेस टू वर्सेस वन में हमेशा दो वाली टीम्स का होता है ठीक है जिनके दो प्लेयर्स बचे हैं उनका होता है बट यहीं पर जिसने पहले पीक किया जिसने कुछ किया वो गलती भी कर देता है राइट right? एंड वही गलती दोनों टीमें कर गई जिसके कारण ओल्ड बॉय को एक बहुत ज्यादा बढ़िया गेम मिला थ्रोएबल क्रेट से कार स्प्लैश डैमेज और सब चीज में कर वो बंदा नॉक हुआ मतलब फिनिश करने के लिए भी बंदा उधर होना चाहिए और बंदा होना चाहिए ताकि मैं फिनिश कर सकूं ओल्ड बॉय ही इज लुकिंग ऑन वन डायरेक्शन एंड टेकिंग फाइट ऑन वेल देखो

बंदे होने के बावजूद पैनिक करना वो चीज हो गई टीम सीक्रेट्स फोर एम के सुख यहां पर है स्टिल ट्राइंग टू टेक अप अ फाइट टीम सीक्रेट का बंदा बाहर आया बेट किया वो बेट के चक्कर में सी दे कुड नॉट सी द बिगर पिक्चर द बिगर पिक्चर इज मैट्रो यहां है मैट्रो तो इज मूविंग हेयर फॉर द कवर व्हिच इज गुड वेरी गुड बट वो कवर इस बंदे के लिए बेट था और ये बंदा तो देख गया रीड कर गया राइट ये जब ओपन में आए ओल्ड बॉय इज वॉचिंग हाँ भाई एक बंदा ओपन में गया एंड ही नोज कि मैंने जब मारा था तो वो नॉक ही हुआ था फिनिश नहीं हुआ था मतलब दो बंदे तो अभी भी वहीं पर है ओल्ड तो बॉय के, जो के पास कंपेरेटिवली है टीम सीक्रेट को पता है कि हाँ बंदा इधर ही होना चाहिए बट यहीं पर एक बंदा दिखा नॉक किया दूसरा दिखा पता चल गया वो तो बल्नरेबल है ओपन में है कवर में है वो कवर से निकलेगा मैं मारूंगा एंड ओल्ड बॉय गॉड देम फॉर हिम फाइनेस्ट गेम्स एवर दैट देर वॉज एंड जो नावी ने अपने हाथ किया था ऐसे गेम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसा अंडरस्टैंडिंग बहुत कम देखने को मिलता है बट नावी फॉर दम सेल्स ऑफ टू दिस वन गेम तुम लोग बता तुम लोगों को कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेयर बाय बाय